हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप को लेकर उज्जैन के एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने क्या कहा था। बताते हैं आपको पूरी जानकारी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, दुर्लभ कश्यप को आज मरे हुए लगभग 2 साल का वक्त हो गया है, लेकिन दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद भी नौजवान लड़के दुर्लभ कश्यप से इंस्पायर है। लड़के दुर्लभ कश्यप की तरह गेटअप में रहते हैं और बिल्कुल दुर्लभ कश्यप की तरह गले में गमछा, माथे पर टीका और आंखों में सुरमा लगाकर रहते हैं। हालांकि वो दुर्लभ कश्यप की तरह ही नहीं रहते हैं बल्कि अपराधों को भी अंजाम देते हैं। और ऐसे ही दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद कई मामले आ भी चुके हैं जिनमें दुर्लभ कश्यप को चाहने वालों ने कई हत्याकांडों को अंजाम भी दिया है। दोस्तों, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले दुर्लभ कश्यप के फैन ने 3 गार्ड्स की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है और अब वो रिसेंटली जेल में ही बंद है। दोस्तों, आपको पता होगा कि उज्जैन पुलिस प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें वो गैंगस्टरों और अपराधियों के अकाउंटों पर नजर रखेगी और जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनके ऊपर भी नजर रखेगी, जिसके बाद कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था। दोस्तों, अब दुर्लभ कश्यप तो मारा जा चुका है, लेकिन जो दुर्लभ कश्यप के नाम पर अपराध करते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप से जोड़ने लगते हैं। तो इसी बात को लेकर उज्जैन के एसपी सत्येंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो चुकी है। मेरा नौजवान पीढ़ी से बस यही कहना है कि अगर वह सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ कश्यप से प्रभावित है तो उसका अंजाम भी देख ले। दोस्तों, कुछ ये बातें उज्जैन के एसपी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ लड़के दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर अपराधों को तो अंजाम दे देते हैं, लेकिन जब बाद में पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती है तो पता चलता है कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं और उनके माता पिता एक मजदूरी का काम करते हैं और बच्चे दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर अपने आप को दुर्लभ कश्यप में डालना चाहते हैं। तो इसीलिए उज्जैन के एसपी ने नौजवान पीढ़ी से कुछ ये बातें कही हैं। तो दोस्तों, आप भी क्या उज्जैन के एसपी सत्येंद्र शुक्ला जी की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।